भी बन रहा है और ज्ञानेश्वरी पहली बार ज्ञानेश्वरी को मैंने गाना सिखाया ही नहीं और मुझे भी अभी अभी बनाई गाना और ज्ञानेश्वरी की आवाज सुनिए कि जो राग गाती है इतने अच्छी राग रागिणी गाती है इतनी अच्छी आलाप और ताने देती है वो अभी एक सुगम हिंदी फिल्म संगीत का ट्राई जो होता है ना वो ट्राई कर रहे हैं इससे आपको पता लगे कितनी महान सिंगर है लड़की ये गाना मैंने अभी सोचा है शायद राग यमन पर आधारित है आई आई जब से मेरे जीवन जब से मेरे जीवन में जब से मेरे जीवन में जब से मेरे जीवन में तुम आए जीने लगी हूँ मैं ओहो देखिए अब सुनिए जीने लगी हूँ मैं हंसने लगी हूँ मैं पंख क्या लगे उड़ने लगी हूँ मैं हमारा तबला ढोल तो नहीं है तो मैं तबला ढोल भी बन जाता हूँ जब से मेरी जीवन में तुम आएगा ना थ्री फोर आई जब से मेरे जीवन में तुम आए जो ऊंचा का नोटा गा रहा है उड़ने लगी हूँ मैं शाबाश हंसने लगी हूँ मैं जीने लगी हूँ मैं ये मैंने क्यों किया है अपनी जनता को बताने के लिए और वो सब संगीतकार को बताने के लिए कि ये लड़की सिर्फ ताने और आलाप नहीं गाती इससे अगर कोई सुगम संगीत भी दिया जाए जो अभी मैंने बनाया ये लड़की वो भी कर लेगी इतनी गुणी लड़की और इतनी अच्छा टोन है इसका कि भगवान ने चाहा बेटा वो दिन जल्दी आए कि तू अनु मलिक का गाना गाए जब से मेरे जीवन में तुम आई बाय जीने लगी हूँ मैं हंसने लगी हूँ मैं पंख क्या लगे उड़ने लगी हूँ मैं
जब से मेरे जीवन में तू आई, तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ ज्ञानेश्वरी के लिए कि आई हमारी जिंदगी के बाहर, जब से ज्ञानेश्वरी हम सबके जीवन में आई। बहुत बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हुआ ज्ञानेश्वरी की वजह से। मैं बताऊं कि बार बार बोल चुका हूँ कि मैं इस घर को अपना मंदिर समझता हूँ, और अभी जो मुझे खिलाएंगे वो मेरा प्रसाद होगा। ज्ञानेश्वरी की जितनी तारीफ करो कम है। आप लोग बिठावा नगरी के लोग हैं, लेकिन ये पूरे विश्व में थाने का नाम, महाराष्ट्र का नाम, बिठावा का नाम, हिंदुस्तान का नाम, ये लेके पूरे विश्व में लेके जाइए। प्यारा लगने लगा है थाना। हमें पहले भी प्यार था, हमें पहले भी प्यार था, अभी और प्यारा लगने लगा है थाना। एक तो यहाँ हमारे ऑनरेबल सीएम एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ के हैं, यहाँ मिलता है जबरदस्त खाना और ऊपर से ज्ञानेश्वरी का गाना। बहुत साल बाद यही पल जो है ना, जो वो याद आएगा कि ज्ञानेश्वरी यहाँ पैदा हुई और ज्ञानेश्वरी यहाँ बैठ के रियाज करती थी, क्योंकि ज्ञानेश्वरी बहुत आगे जाने वाली। भगवान ने चुना कि मैं इधर आऊं। ना इस जगह की तारीफ करूँ कम है, क्योंकि बिठावा नगरी में आके इसलिए अच्छा लग रहा है। एक तो अगर आप ये पूरा माहौल देखो, यहाँ मुझे बहुत प्यार नज़र आता है। यहाँ जितने भी यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सबको इतना प्यार से रखा हुआ है। और जब मैं उसके घर पहुँचा ज्ञानेश्वरी के, तो समझा अपने मंदिर पहुँचा हूँ। और वहाँ जब बैठा और जब पता लगा ज्ञानेश्वरी कहाँ बैठती है, कहाँ गाती है, वो मुझे देखना था। क्योंकि बिठावा नगरी को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अभी तक इनको पता तो है कि बहुत गुणी कलाकार हैं। लेकिन अगर मैं भाग के यहाँ आया हूँ, मैं सोच के आया हूँगा, क्योंकि मैंने जब इसको आवाज़ जब गाते हुए सुना, मैं बोला भगवान ने क्या फूल खिलाया है, और इसकी महक पूरे विश्व में जाने वाली है। और आज जब इसको मिला, उसके परिवार को मिला, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि जब मैं घर में गया, मैंने जूते निकाले, मैं गया, मैं ऐसा लगा मंदिर में आ रहा हूँ, और बैठा वहाँ, उनकी पत्नी ने, भाई साहब ने मुझे पोहा खिलाया, चाय पिलाई, शीरा खिलाया, इतनी मोहब्बत दी। ये मोहब्बत सिर्फ नगरी जैसी जगहों पर मिलती है। मैं धन्य अपने आप को मानता हूँ कि मुझे मौका मिला इधर आने का। मैं और शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।